हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट के लिए एमसीक्यू। आज मैं इसमें चैप्टर 3 और 4 इंक्लूड करूँगी, जिसमें यूजर्स ऑफ कंप्यूटर एंड द माउस से एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट इन ऑप्शन ए टॉकिंग, बी कैलकुलेशन, सी वॉकिंग, डी रनिंग। कंप्यूटर बहुत फास्ट करता है, क्या करता है? ऑप्शन बी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, टीचर कैन यूज कंप्यूटर्स टू प्रिपेयर। टीचर कंप्यूटर से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? या टीचर कंप्यूटर का क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन ए लंच, बी ब्रेकफास्ट, सी डिनर, या डी रिपोर्ट कार्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रिपोर्ट कार्ड। टीचर्स क्या करते हैं बच्चों? कंप्यूटर पर रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव। इंटरनेट की मदद से हम कंप्यूटर से क्या सेंड कर सकते हैं या क्या रिसीव कर सकते हैं? मूवीज़, ऑप्शन बी गेम्स, सी मैसेज, या डी सम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैसेज। इंटरनेट से की मदद से हम कंप्यूटर से मैसेज हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर कैन यूज्ड इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बैंक, बी स्कूल, सी ऑफिस, या डी ऑल ऑफ दिस। बच्चों आपने देखा होगा कंप्यूटर्स का यूज़ हम इन सभी जगहों पे करते हैं। ऑफिस में भी कंप्यूटर्स होते हैं, बैंक में भी होते हैं और स्कूल्स में भी होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जॉयस्टिक इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोलिंग मूवमेंट, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन बी डिस्प्ले, सी प्रिंट, एंड डी नन ऑफ दिस। बच्चों जॉयस्टिक एक डिवाइस होता है मोबाइल कंप्यूटर्स पर गेम्स खेलने के लिए, जिससे हम गेम खेलते समय उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कंट्रोलिंग मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, माउस इज अटैच टू द सीपीयू विद अ। माउस को सीपीयू से अटैच किया जाता है किसके साथ? ऑप्शन ए एरो, बी लॉन्ग वायर, सी बटन, एंड डी बॉल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चों आपने देखा होगा माउस के साथ लंबी सी वायर लगी रहती है जिसे हम सीपीयू में अटैच करते हैं। वैसे माउस जो है बिना वायर का भी होता है, जिसे हम वायरलेस माउस कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन बी लॉन्ग वायर। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रॉल वेल इज फाउंड इन स्क्रॉल बेल किस में मिलता है? द लेफ्ट बटन, बी द राइट बटन, सी मिडल बटन, या डी ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मिडल बटन। स्क्रॉल बेल माउस में जो हमारा बीच में जो चक्का, जो देसी भाषा में बोलते हैं उसको क्या, चक्का, वो जो वेल होता है वो मिडल बटन कहलाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, माउस इज ऑलवेज प्लेस ऑन। माउस को हमेशा कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन ए हार्ड पैड पर, बी फ्लैट पैड, सी वेरी सॉफ्ट पैड, या डी नन ऑफ दिस। माउस को हमेशा वेरी सॉफ्ट पैड पर रखना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेलेक्ट अ फाइल। इनमें से कौन से ऑप्शंस के द्वारा हम फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं?
या इन चारों ऑप्शन में से किसका यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए सिंगल क्लिक, बी डबल क्लिक, सी ड्रैगिंग एंड डी ड्रॉपिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी भी फाइल को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक के द्वारा हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? सिंगल क्लिक, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिंगल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 10। अ कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइंग पिक्चर, बी प्लेइंग गेम्स, सी सेलेक्टिंग आइटम्स या डी ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर माउस का यूज़ इन सभी ऑप्शंस के लिए किया जाता है। उससे हम ड्राइंग भी बनाते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और नेक्स्ट हमारा इसी में 5th and 6th चैप्टर से लेकर क्लास 1st के MCQ में आ रही हूँ। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।